अतिशय वेगाने विकसित होत असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या पावन नगरीत पंढरपूर समीप आम्ही घेऊन आलो आहोत एक सर्व सुविधांनी युक्त विठू माऊली नगर येथे भव्य प्लॉटिंग प्रकल्प। आमच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये, प्रशस्त रस्ते, प्रत्येक बाजूला डिमार्केशन, संपूर्ण साईडला कार कंपाऊंड, रस्त्याच्या बाजूला स्ट्रीट लाईटची सोय, संपूर्ण प्लॉटिंग मधील रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची लागवड, संपूर्ण प्लॉट धारकांना आवश्यक वीज कनेक्शनसाठी स्वतंत्र डीपीची सोय, या आणि अशा अनेक सुविधांसह युक्त विठू माऊली नगर मध्ये 1 ते 11 गुंठ्यांपर्यंतचे प्लॉट उपलब्ध। साईटचा पत्ता विठू माऊली नगर, MIT स्कूलच्या पाठीमागे पालखी जवळ, सातारा रोड, वाखरी तालुका, पंढरपूर। पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनल वरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। भाजपा महाराष्ट्राचे लोकसभा क्लस्टर प्रवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेशचे ग्रामविकास मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हे आज पंढरपुरात आले असून आज येथील अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका समजावून सांगताना लोकहिताच्या योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत, देश ज्या पद्धतीने आज पुढे जात आहे त्यामुळे सारे जग भारताकडे आशेने पाहत आहे असे प्रल्हाद सिंग पटेल म्हणाले। यावेळी खासदार रणजित सिंह निंबाळकर, क्लस्टर प्रमुख प्रशांत परिचारक, अमर साबळे आदी उपस्थित होते। सोलापुर लोकसभा में आज हमारा दिनभर का प्रवास होना है। हम सबको पता है कि बहुत जल्दी अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। मोदी सरकार के 10 वर्ष और उसके पहले के 10 वर्ष मैं तो कह तो ये भी सकता हूँ कि आज़ादी से लेकर 2014 तक पर मूल्यांकन का सबसे आदर्श तरीका अगर कोई होगा तो 10 साल मोदी सरकार के उसके पहले के 10 वर्षों की अगर तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति के साथ में न्याय होगा। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है जिसका सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा है और भारत माता की प्रतिष्ठा को उन्हें ऊंचाई दी है और उसका आधार अगर कोई है तो वो सिर्फ विकास और वो भी विरासत के साथ। ये बात मैं फिर से दोहराता हूँ, मोदी सरकार के विकास के मॉडल में विरासत के बगैर वो संभव नहीं है ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। विकास में भी हमने एक नई दिशा दी है जिसमें गति भी है और प्रगति भी है और विरासत के मामले में देश की आजादी के बाद जो दुराग्रह कांग्रेस ने किया या हमारी विरोधी पार्टियों ने किया उसमें वामपंथी हो, कांग्रेस हो या स्थानिक कोई भी दल हो, उनने सदैव विरासत पर कुठाराघात किया लेकिन हमने अपने राजनीतिक हितों के लिए कभी समझौता नहीं किया। इसलिए मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। देश के विभाजन के बाद जब जम्मू कश्मीर में एक अलगाववाद की दिशा तय की गई तो डॉक्टर मुखर्जी का पहला बलिदान जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ और धारा 370 हटाने के लिए तब से लेकर 70 साल तक पार्टी संघर्ष करती रही और जैसे ही मोदी जी सरकार में आए हमने धारा 370 से इस देश को मुक्त किया। 70 साल का इंतजार, मैं नहीं मानता कि कोई दूसरे राजनीतिक दल ने इतना संघर्ष किया होगा। इसलिए हमने राजनीतिक हितों के लिए कभी समझौता नहीं किया। दूसरा उदाहरण है राम जन्मभूमि का, वो तो 500 वर्ष का संघर्ष है। देश की आजादी के बाद में जो चित्र है वो सबने देखा है, आप सब परिचित हैं। लेकिन मैं गर्व करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जो हमारा संकल्प था कि हम बिना विरोधाभास और संघर्ष के राम जन्मभूमि पर अपना मंदिर का निर्माण करेंगे, ये सदैव भारतीय जनता पार्टी का मकरा है कि बातचीत से मंदिर के समाधान निकलने चाहिए पर मंदिर बनना चाहिए, आज वो मूर्त रूप ले चुका है। अगर मैं विकास की बात करता हूं तो विकास में आपके ही क्षेत्र में जितने राजमार्ग बने हैं 10 साल क्या मैं समझता हूँ आजादी से लेकर तब तक नहीं होगा। हम सब की जितनी आस्था का केंद्र है ये वास्तव में धार्मिक राजधानी है,
सिर्फ तो महाराष्ट्र की नहीं, अन्य आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों से लोग यहाँ तक आते हैं। सोलापुर से तुलजापुर, सोलापुर से अक्कलकोट, अक्कलकोट से गाड़गापुर, सोलापुर से पंडरपुर, ये सभी में ये जो कनेक्टिविटी है ये सिर्फ पंडरपुर भर के लिए नहीं है, जो भी श्रद्धालु यहाँ से आता है उसके लिए ये कनेक्टिविटी है। उसलिए हमारा रेल का मार्ग हो, हमारे रोड का अपग्रेडेशन हो या फिर हवाई सेवाएं, इनमें जो हमने सफलता प्राप्त की है वो ऐतिहासिक है। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देश की राजनीति की दिशा मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। उनने जब ये बात कही थी कि देश की आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब देश कैसा होगा, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जब ये बात कही थी तो हमारे विरोधियों ने मजाक उड़ाया कि 2019 का चुनाव बीच में है, जो 75 साल की बात कर रहे हैं वो तो 22 में आएगा। मोदी जी ने कहा था कि देश का विकास अनवरत है, चुनाव होते रहेंगे लेकिन लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छता के लिए शौचालय हो, गरीब आदमी के लिए गैस कनेक्शन हो, महिला सशक्तिकरण के लिए जल जीवन मिशन हो, उपचार के लिए आयुष्मान मिशन 2019 के बाद शुरू हुआ है। और एक आंकड़ा मैं जरूर दे रहा हूं, शायद वो आपको भी अच्छा लगेगा, कि जब जल जीवन मिशन इस देश में शुरू हुआ था 2019 में, तब महाराष्ट्र में खासकर इस जिले में जो सबसे अच्छी स्थिति देश के भीतर महाराष्ट्र की थी, और राज्य का एवरेज 33% था, लेकिन आपके सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का एवरेज 37% था। मुझे आज कहते हुए खुशी है, आप भी जल जीवन मिशन का पोर्टल खोलकर देख सकते हैं, आपका अचीवमेंट 97% है। राज्य में ये 76% है, लेकिन सोलापुर का अचीवमेंट 97% है। चाहे जल प्रबंधन पीने का हो या जल प्रबंधन सिंचाई का हो, दोनों में जो ऊंचाइयां ली हैं, और देश की आजादी के 75 वर्ष में जो अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है, आपके यहाँ तो रिनोवेशन भी हुए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। पांचवी बात जब मैं कहता हूँ तो ये जो गरीब आदमी है जिसको अनाज मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, या जिनको ये सुविधाएं मिली हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बिचौलियों को समाप्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा आप ही के पास लोग आते थे कि साहब हमको तो ऐसा हमारे साथ हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो पॉलिसी थी मोदी की, उसने बिचौलियों को खत्म किया, इससे पहले ये प्रयास कभी नहीं हुए। परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तुष्टिकरण के खिलाफ पार्टी सदैव रही है, और हमें गर्व है कि हम उस मामले में सफल हुए हैं। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि इसी आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे आपके माध्यम से, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा फिर इस बार मोदी सरकार। आपने महाराष्ट्र में जो हो रहा है कि जिन पर करप्शन के आरोप लगे ऐसे नेताओं को सरकार में लिया जा रहा है, उनको एमपी बनाया जा रहा है, डीसीएम बनाया जा रहा है, क्या पार्टी को डिफरेंस से बीजेपी दूर जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि एक आग्रह में जरूर करूंगा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, कोई आदमी विजनरी हो, वो विचार की आजादी उसे ना हो, राम को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने की हिम्मत नहीं थी जहां लोग रहते थे। विचारधारा से अगर अनुकूलता है, विजन है डेवलपमेंट का, तो मुझे लगता है कि देश जिस परिस्थिति में है उसमें हम सबको मिलकर जाना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। हम साम्राज्यवादी लोग नहीं हैं कि दूसरे के देश पर कब्जा करके अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तलाश सकें, तो हमें अपने इन्हीं संसाधनों में बेहतर विकास भी करना है और दुनिया को रास्ता भी देना है। और उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कोरोना का, कि हम 140 करोड़ के देश थे, हमको दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी, उसमें अमेरिका भी शामिल है और जरूरतमंद ब्राजील भी है, लेकिन कोई भी ताकतवर साथ जो चुनिंदा देश है वो किसी को एक गोली भी नहीं दे सके। तो ये जो विचारधारा की ताकत है, ये विचारधारा की ताकत को मजबूती मिलनी चाहिए। आप विश्वास करिए कि पार्टी विद डिफरेंस पार्टी का बना रहेगा। हमारा कार्यकर्ता संघर्ष से पैदा हुआ कार्यकर्ता है, लेकिन कोई अच्छे लोग हमारे साथ आए, पार्टी ने तय किया है कि जो लोग विचारधारा से सहमत हो हमारे साथ आते हैं,
तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, भोपाल में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेशनल एनसीपी करप्शन पार्टी है, तब अजित पवार ज्वाइन हुए, जब श्वेत पत्रिका ने भी आदर्श का उल्लेख किया, तो अशोक चव्हाण ज्वाइन हुए। मुझे लगता है कि इस डिबेट में मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी बात कही है कि अगर किसी के पास में डेवलपमेंट का विजन है, हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, तो हमारे अध्यात्म में प्रायश्चित की पर्याप्त व्यवस्था है। सर तो पंडित बैठे हो सर, कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछले पहले शाइनिंग इंडिया की जा रही थी और उसका सेटबैक मिला था, वैसे ही नहीं जा रही है? आपको क्या लगता है, डिफरेंस है दोनों में? इतनी सारी बातें करने के बाद ये जो सवाल आप कर रहे हो, हमारा लक्ष्य है 400 पार का, वो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस पहला है ना वो जी, शाइनिंग इंडिया किया था आपने, पिछले दो एक्सपीरियंस की भी चिंता करो, हमने नहीं 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 बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया का भी किया था, डिबेट नहीं, डिबेट नहीं, डिबेट नहीं, सुनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बोलिए ना, हमने पिछली बार 300 पार का नारा दिया था, 303 आए ना, इसको भी याद रखो। अभी आप तीन लोकसभा के प्रमुख हैं, अभी क्या स्थिति है आप? डेंजर जोन में रखा है? नहीं नहीं, कोई डेंजर जोन नहीं है, सब सुरक्षित जोन में है। अभी जो मठाधीश थे वो गिरे ना, तो ये उसके बाद के उनने तो उतना विकास नहीं किया जितना हमारे खासदार ने किया है। इसलिए ये मुझे लगता है कि अगर मैं पवार साहब पे इनाम लेता हूँ, वो रहे है ना माड़ा से रहे, और आप आज के डेवलपमेंट के बारे में देखिए, तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि खाली पानी पर जितने काम और रोड पर हुए हैं माड़ा में, देश की आजादी के बाद ताकतवर नेता होने के बाद भी नहीं हुए, ये मैं कह सकता हूँ। सोलापुर में उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है? नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पिछली बार में उम्मीदवार बदला, इस बार में वो तुम्हारा कितने बोल, नहीं ये पार्टी का काम है, ये इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। माड़ा में आपके कैंडिडेट जो है सर, माड़ा में जो आपके सोलापुर एससी का रिजर्व है, लेकिन इधर नॉन एससी कैंडिडेट जो टेक्निकली एससी है, इनको ही उम्मीदवार किया जा रहा है इस साल और पिछले साल। मुझे लगता है कि आपको सूची आ रहे थे, कितना इंतजार करना चाहिए। सर सिगरेट डेवलपमेंट बारे में की गई है, परंतु महंगाई से बदल मुझे ना, मुझे देखिए, हम जिस प्रकार से जनता को लाभ मिला है, चाहे गरीब कल्याण के नाम पर हमने जो मुफ्त में राशन दिया हो, ताकत हर पक्ष में मिली है, इसलिए चीजों की इसको एक पैरामीटर पर नहीं देख सकते। लेकिन कांग्रेस के समय की महंगाई की अगर कंपेयर कर, इसलिए मैंने कहा कंपेयर कर लेना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ। धन्यवाद।